स्वागत है आप लोगों का फरीदी ने मार्केट्स पर क्विकली एक नजर कर लो। 11,650 थी ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट्स नीचे आया है। 48 पॉइंट्स नो छाव हजी भी इम्पैक्ट। बैंक निफ्टी माटे 35 पॉइंट्स ऊपर छे हजी। અને મિડકેપ તરફથી 1.25 જે સપોર્ટ છે હજી બી ઇન્ટેક્ટ છે। ઓલમોસ્ટ 2% આસપાસનો અપમૂવ છે જે આપણે ખાસ અત્યારે ઇન્ટેક્ટ જોઈ રહ્યા છે। ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના એ અપ્રોચ હજી પણ થતું દેખાય છે। આગળ વધીએ, બીજા જે રિઝલ્ટ જાહેર થયા હતા આઈટીઆઈના એના ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના એમડી આર એમ અગ્રવાલ જોડાઈ ચુક્યા છે। હાય સર, બહોત બહોત શુક્રિયા મેરે સાથ જુડને કે લિયે। સર, ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર્સ શરૂઆત મેં વહીં સે કરના ચાહુંગી, ક્યુંકિ હમ લોગ નંબર્સ દેખ રહે હૈં, ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેવન્યુઝ થોડે બહોત લિફ્ટેડ દિખ રહે હૈં ઓર એબિટા ભી પોઝિટિવ ટર્ન આઉટ હો રહા હૈ, કોન સે ફેક્ટર્સ થે જો સપોર્ટિવ થે ઓર બાકી અપડેટ્સ અગર મેરે સાથ આપ કુછ શેર કર પાએ ઇસ ક્વાર્ટર કો લેકર। એક્ચ્યુઅલી ઇસમે 3-4 મેજર ફેક્ટર્સ હૈ। એક તો હમને અપની જો પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી હૈ વો ચેન્જ કી હૈ। इसके अलावा हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे प्लस दूसरे जो मेंटेनेंस सपोर्ट है उससे बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं इस समय। तो जो हमारे पास ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक पहले भी काफी स्ट्रांग थी बट उसके बाद परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब परफॉर्मेंस भी ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है। क्योंकि जैसे गुजरात प्रोजेक्ट था, गुजरात प्रोजेक्ट हमारा लगभग टोटल प्रोजेक्ट साइज अराउंड 1200 CR का है, तो उस 1200 CR में हमने सेकंड क्वार्टर में ही अराउंड 300 CR का हमने टर्नओवर बुक किया है। तो दैट इज आवर मेजर कॉज। और उसमें जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है कि आईटीआई पहले बैक टू बैक किया करता था, लेकिन हमने अब क्योंकि खुद काम करना शुरू कर दिया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हमारी अपनी हो गई है, तो उसकी वजह से वर्क काफी फास्ट हो गया है और उससे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इंक्रीज हुआ है। भारत में फेज टू दैट इज अ मेजर थिंग। सिमिलरली प्रोडक्शन वाइज भी हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल है, एलडीपी पाइप है, सोलर पैनल है, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स है, इन सब पे फोकस शुरू कर दिया है और उससे भी हमें टर्नओवर अच्छा मिल रहा है। तो दैट इज द मेन कोर्स चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी इन द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। अग्रीड सर। और फर्स्ट हाफ की बात कर ले, क्योंकि हम लोग जानते हैं 580 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं फर्स्ट टू क्वार्टर्स में, जो FY19 के नियरली 35% है। FY20 को लेकर क्या आउटलुक है, क्या यहाँ पे कुछ अपवर्ड रिवीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? देखिए, हमारे पास जो ऑर्डर बुक है इस समय काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इस समय एज ऑन द एंड ऑफ द सेकंड मतलब फर्स्ट हाफ अराउंड मोर देन 6,600 कंफर्म ऑर्डर बुक है हमारे पास, और इसमें अराउंड 7,600 का हमारे पास एडवांस परचेज ऑर्डर है। तो आप देखिए कि इसका अगर हम अपना जो कंफर्म ऑर्डर बुक है उसका हम लोग प्रपोज करते हैं कि अराउंड 40% हम लोग जो है इस साल सेकंड क्वार्टर सेकंड हाफ में हम लोग मतलब हमारा जो टारगेट है कितना अचीव करना है। क्योंकि जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस से, वो भी इसी तरह से है कि अराउंड 3,300 का हमको जो है टोटल टर्न ओवर लगभग करना है इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीलेंट कैटेगरी के। और वही हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है कि हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स से, हमारी मार्केटिंग यूनिट से, हमारी प्रोडक्शन यूनिट से, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट से, हर ऑफिसर को बहुत ज्यादा मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। और डेली बेसिस पे वो सब रिव्यू कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कॉर्पोरेट ऑफिस रिव्यू कर रहा है और जो पूरी उम्मीद है कि ये सब चीजें अचीव हो जाएगी। जो हमारा FY20 का जो टारगेट है अराउंड 6,300 का। अग्रीड सर। ऑर्डर बुक अच्छी आप बता रहे थे सर, न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर शेयर कर पाए कितनी है, क्योंकि अप्रैल के फिगर्स जो मेरे पास है नियरली 6,330 करोड़ है, अभी के लिए कितनी है? जैसे हमारे पास लगभग 2600 करोड़ ऑर्डर बुक तो महाराष्ट्र की है, भारत टू का जो प्रोजेक्ट है फेज टू। इसके अलावा अराउंड 1300 की ऑर्डर बुक हमारे पास भारत फेज टू गुजरात की है। इसी तरह से 800 CR की जो ऑर्डर बुक है स्मार्ट एनर्जी मीटर से है। इनके अलावा करीब 250 अराउंड 250 CR की जो ऑर्डर बुक है ये करीब हमारे पास जो एमसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओएमसी एक्सचेंजेस हैं, ओसीपी एक्सचेंजेस हैं, डिफेंस की एमसीज हैं, उनके अगेंस्ट में है। इसके अलावा जो हमारे आरओज है मतलब ऑल ओवर कंट्री का 25 हमारे पास मार्केटिंग यूनिट्स है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट एजेंसी से ऑर्डर्स लेते हैं। तो करीब मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट 100% डिटेल्स, बट डेफिनेटली अराउंड 500 टू 600 जो है ऑर्डर बुक हमारे पास इनकी है।
इसके अलावा लगभग 500 to 600 crore rupees एक हमने अभी उड़ीसा में हम लोगों ने एक टेंडर विन किया है, उसका हम लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में मिली है, तो अराउंड 500 to 600 हमारे पास ऑर्डर बुक वहाँ की है। कुल मिला के आप देखेंगे अराउंड इट ऑल ट्रांसलेट टू अराउंड 6,000 to 7,000 30th September 2009। अग्रीड सर। और रिसेंटली आपने जो 300 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिले हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए और बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे उसकी वजह से और 105 करोड़ केपेक्स के लिए, आगे ऐसे कोई फंड्स मिलने की उम्मीदें हैं? हाँ श्योर श्योर। देखिए ऐसा था कि ये 2014 फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइवल प्लान रिवाइवल पैकेज अप्रूव किया था आईटीएच रिवाइवल के लिए, उसमें करीब 2,264 केपेक्स का अमाउंट था और अराउंड 1,892 crore rupees ओपेक्स का अमाउंट था। तो ओपेक्स का अमाउंट हमें पिछले साल तक मिल गया था, केपेक्स का अमाउंट हमें जो मिला है लगभग 769 crore rupees मिला है अब तक, जो हमको 105 crore rupees मिला है उसको मिला के तो लगभग 1,500 crore rupees की हमारा केपेक्स का अमाउंट पेंडिंग है। तो 1,500 crore rupees में लगभग हमने केपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से आईटीआई में करना है उसमें लगभग 1,500 crore rupees का लगभग अभी अमाउंट बाकी है। तो इस साल हमने जो केपेक्स के अमाउंट को खर्च करना है लगभग 450 crore rupees का हमने अमाउंट और रिफ्लेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, जो इस साल के रिवाइज एस्टिमेट में उन्होंने अपने प्लान में इंक्लूड किया है। तो जब भी प्लान अप्रूव होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमें उम्मीद है कि मतलब इसका एक सब्सटेंशियल पार्ट हमें एज ए केपेक्स मिल जाना चाहेंगे। इसी तरह से अगले आने वाले वर्षों में जो केपेक्स हमारा बचा रहेगा उसका अमाउंट हमें मिलता रहेगा। केपिटल एक्सपेंडिचर में तो ये था, जहां तक ओपेक्स की बात है तो 300 crore rupees बेसिकली ये 200 crore rupees तो बीएसएल के 200 crore rupees बीएसएल के जो शेयर हमें रिडीम करने थे प्रेसेंशियल शेयर उसके अगेंस्ट मिले थे और 100 crore rupees हमको जो एमटीएन के शेयर रिडीम करने थे उसके अगेंस्ट मिले थे जो कि कर दिए गए। इट वॉज द लास्ट ये लास्ट अमाउंट था जो हमें ओपेक्स में मिलना था, तो हमें मिल गया, हमने उनको रिमबर्स कर दिया है। अच्छा सर, एक और चीज मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है। इनकम की अगर बात कर ले 124 crore जो पिछले साल था उसके मुकाबले 10 crore और अदर एक्सपेंसेस भी 98 crore जो था उसके हिसाब से 22 crore इस बार पोस्ट हुआ है, वो क्यों रहा डिटेल्स? हाँ, इसमें जो मेजर पोर्शन था अदर इनकम में लास्ट ईयर और अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मतलब काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था लास्ट ईयर और तो फोकस था कि किस तरह से इसको हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को अपना क्लीन करें, मतलब हम डेटर्स को उसको देना है उसे पैसा लें और जो क्रेडिटर्स है उसको हम बाकी अपना पैसा दें। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने काफी उस पर काम किया था। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो हमारे मोर देन 6-7-8 ईयर ओल्ड लाइबिलिटीज थी जो हमको लग रहा था कि वो देना ही नहीं है जो नॉर्म्स, तो उसको वो बाइंड अप किया गया था, तो किसको मतलब उसको जब हमने राइट ऑफ किया तो बेसिकली वो एज अदर इनकम आ गया। जब हमने डेटा साइड में किया तो डेफिनेटली वो हमने उस तरह से उसको कर लिया, तो अदर इनकम में हमने कोई राइट ऑफ किया था ये आ गया। इस साल जो हमने